लो भैया पेट्रोल डाल दो। ओके, और दोस्तों ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो ये बस स्टैंड बन गया, सही है यार, सही बन गया। दोस्तों दिल्ली पहाड़ के सरपंच द्वारा इस शमशान घाट का निर्माण करवाया जा रहा है और बहुत प्यारा शमशान घाट बनने वाला है। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं, आज एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो चलो मैंने ये वीडियो बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ और रास्ते का व्यू दिखा देता हूँ, रास्ते में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। तो चलते हैं आगे। दोस्तों अब बाइक में डलाऊंगा पेट्रोल, कुछ समय बाद में पेट्रोल पंप आने वाला है और वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत आनंद आपको भी आने वाला है। तो चलते हैं और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते हैं। और ये पेट्रोल पंप आ गए, खुला है बंद है पता नहीं है भाई, ऐसा ही लग रहा है। नज़र तो आ रहा है यार, है नहीं, है है है, शटर बंद है लेकिन पेट्रोल पंप पे है। मासेड़े में यमन डिफरेंट है पेट्रोल में, 105.29 में 105.54 है। तो दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया है और अब चलते हैं आगे इस मेगा हाईवे जो अलवर से महुआ जाता है ये, और उस पर हैं दोनों साइड में घने पेड़ हैं और बहुत मस्त रोड है, एकदम साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर। तो चलते हैं आगे दोस्तों और आपको दिखाते हैं रोड के साइड के नज़ारे। देखिए खेती अभी कट चुकी है, कुछ बो रखा है, कुछ बोएंगे लोग। तो चलते हैं आगे। और ये दोस्तों पिनान चौराया है बाईपास, अभी यहाँ से आगे चलेंगे, काफ़ी आगे जाना है। और इस रोड से अब सिंगल रोड पर लेफ्ट साइड में टर्न करना है कुछ दूरी पर आकर। और दोस्तों ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सामने, अब इसके नीचे होके निकलना है यहाँ से। तो ये है पिनान से और लक्ष्मीगढ़ के लिए रोड जा रहा है ये, उस पर पड़ता है ये एक्सप्रेस हाईवे। अभी आगे एक गांव का नाम आएगा जिसको आप सुनेंगे यार क्या नाम है, तो उसका नाम है उजाड़ का वास। ये सामने है, ये उजाड़ का वास ही है। और रास्ते देखे कैसा, पहले ये रोड बिल्कुल पक्का था और अभी बिल्कुल खुद गया बरसात के बाद में, बिल्कुल टूट गया रोड, उबड़ खाबड़ भड़बड़ 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 ऐसा रास्ता है गंदा। और इधर देखिए पहाड़ क्या सुंदर लग रहा है, और अभी गांव गया है जो रसूलपुर गया है, अभी तक रसूलपुर ही चल रहा है, ऐसे ही गाँव है। कितना सुंदर रास्ता है यार, आप देखिए दोस्तों इधर पहाड़, पहाड़ के बाद में खेत और खेतों के बाद में ये रोड, और रोड के इधर खेत, लाल दीवार, बहुत प्यारा खेत व्यू है, गजब नज़ारे है ना। तो कुछ समय बाद में दीवली पहाड़ जो इस पहाड़ के तलेटी में बसा हुआ है वो गांव आने वाला है। गाँव का रास्ता तो ऐसा ही, अंदर गांव से टूटा फूटा, उबड़ खाबड़ कीचड़ वगैरह, लेकिन वहां वीडियो मुश्किल से ही बनेगा। देखते हैं आगे, सरसों बड़े बड़े हो गए यहाँ, कहीं बोरक के कहीं प्याज, पहाड़ का व्यू बस मज़ेदार है। और ये दीवली पहाड़ गांव की, गांव में एंट्री हो चुकी है, इस तरह का व्यू है यहाँ का। देखिए रास्ता तो फिर ऐसा ही हो, उबड़ खाबड़। चलते हैं और दिखाते हैं जितना हो सकता है उतना,
मिट्टी उठ रही है जबरदस्त। जनता पास की ठीक हुई इस बार है ना। अपने यहाँ पर हरसाना, हरसाना ही तो है ना, ये हरसाना के एग्रीकल्चर स्कूल बारे में तक एक ही थी, और या फिर इधर कहाँ थी, इधर थे शायद कोटपुतली साइड में, दो ही थी बस, देख लो पूरे ज़िले में, ज़िले में तो एक ही होगी है, बाकी वहाँ थी वो तो ज़िला ही दूसरा हो जाता है। एग्रीकल्चर की ये थी याद, देखो इधर, और ये तो ये वैसे थे जनरल। ये रोड भी अच्छा बन गया। हाँ ये स्कूल थी बाई साइड में, अब अच्छी अब ये हो गई, और वो भी चालू है, अब एक साथ ही शायद पढ़ाई होती है इसमें, पहले एक अब एक कर दी है। तो कोई ज़माने में तो कंजर खेली जो आने वाली ख़तरनाक थी, बड़ी बड़ी चोरियाँ करते थे ये, और पूरा ही गांव शोर था यार। अब क्या है, उसके बाद में यहाँ का सब गाँव का नाम लग गया था इनके ऊपर, पर ये भाग गए दिल्ली। अब दिल्ली में ये चले गए सुल्तानपुरी, नांगलोई, मंगोलपुरी, इस क्षेत्र में उनका घरमार है, पूरी दिल्ली में बसे हुए जगह जगह, और वहाँ भी दारू बेचते हैं ये, वहाँ भी जेब काटना, दारू बेचना, रास्ते में जाते लूटना रात में, तो हाँ ये कर रखा है। हाँ अब नहीं करे, नहीं नहीं निकालते हैं दारू अभी भी, दारू देसी चलती है इनकी, और ये कंजरियों का ये इनके इनके खरवाड़ के झगड़ा था, मैंने कंजरियों को सलाह दी मैं कि मंदिर बना दो, कोई कुछ नहीं करेगा, मंदिर बना दिया, और ये सब इन्होंने मकान बना दिए बढ़िया बढ़िया। तो भाई अब ये है तो है ही कंजर के, अगर अब तो खैर यहाँ तो निकलते हैं लेकिन बाहर करते हैं, इस लसमगढ़ वाले में बड़े मजा आते थे आने जाने में, क्योंकि अखरता ही नहीं था कब कहाँ आ गया, कब क्या आ गया। लसमगढ़ तो लसमगढ़ में काफी परिवर्तन आ गए हैं, पर अंदर तो वही हालात है गंदगी अभी आई है नगर पालिका, देखो टाइम लगेगा धीरे धीरे। तो ये बस स्टैंड बन गया, सही है यार, सही बन गया, बस स्टैंड का जैसा होना ही है यार। यहाँ हॉस्पिटल की जगह है, अधिकारी बैठने लग गया हॉस्पिटल का, CMHO, तहसील की जगह नहीं बदली यार, है ना, तहसील भी थाने के उधर हाँ, दोबारा फूट के बन नहीं सकते ना यहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं ना पूरे तहसील के, इस वजह से यहाँ गुड़ का भाव हो गया यार। यार ये भगत सिंह, हाँ ये है भगत सिंह सर्कल है, सीधा कठुम्बर के लिए। मस्त स्पीड में चलाएं तो आदमी को चलने का मजा है और देखने का भी है, और कोई भी आदमी आ रहा है इधर उधर से उसका भी मालूम पड़ जाता है। मार्केट उधर रह गया उस रोड पे, इस पे भी है। हाँ सीधा जाके बाई साइड में बोला था, है शायद आगे से होगा सीधा ही, हाँ सामने ये इसके पास वाले तो घर नहीं है। राजेंद्र वकील का घर कौन सा है, राजेंद्र है ना या वकील, राजेंद्र वकील। यही है यही है, दोस्तों ये शमशान घाट है,
जो देवली पहाड़ का है, अब इसका नव निर्माण हो रहा है। चारों तरफ बाउंड्री हो रही है, पार्क बनेगा और रोड बन गया और शमशान घाट की जो भी वो चीज़ें बनती हैं वो बन रही हैं, मिट्टी विट्टी डल रही है, मस्त वाला जुगाड़ बनेगा शमशान घाट का। और ये पहाड़ों के तलेटी में स्थित है, बहुत सुंदर जगह है। और ये है जो कचरा पात्र है, सभी प्रकार के गीला सूखा इस प्रकार के दो तीन डब्बे होते हैं ना, तो यहाँ अंदर पक्का बना रखा है ये तीन साइड में। ये निर्माण देवली पहाड़ गांव के सरपंच द्वारा किया जा रहा है और बहुत मस्त बनाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, इन सभी त्यौहारों की जो साल में एक बार आते हैं, बहुत बड़ा त्यौहार है, सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी दिवाली मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, बहुत एन्जॉयमेंट लें, सुरक्षा का ध्यान रखें, पटाखे वगैरह जो चलाते हैं सावधानी से चलाएं, कोई घटना नहीं हो, घर में सुख शांति से त्यौहार मनाया जाए। इस वजह से तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, और सभी को दिवाली की बहुत बहुत अनेक अनेक शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।